हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो आपको पता है, सुबह सुबह उठ के मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने आज ये सूट पहन लिया था। सूट इसलिए पहना था, बस अब ना जैसे ठंड थोड़ी सी कम होने लग गई। रात को तो पता है, जब मैं सो रही थी ना, मैं रजाई भी फेंक रही थी। विहान को भी गर्मी लग रही थी, मुझे भी गर्मी लग रही थी। पता नहीं ऐसा कैसा मौसम होता जा रहा है। मतलब दिन में तो इतनी तेज़ गर्मी होती है, पूछो ही मत। और एक कभी कभी तो रात को इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी रात को ठंड भी हो जाती है। अभी ना जैसे अभी ये 8-9 फरवरी जैसे आ गया है, तो करीबन 10 दिन थोड़ा सा मौसम ऐसे ही रहेगा। कभी ठंड हो जाएगी, कभी फिर से थोड़ी गर्मी हो जाएगी। पर अभी जैसे 10 दिन के बाद आप लगा लोगे ना, फिर बिल्कुल अच्छे वाली थोड़ी सी धूप निकलने लग जाएगी और फिर ना ठंड भी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मैं ना ये ना पता है, मैं ना कंबल वगैरह रजाइयाँ है ना ये सारी, उसके बाद फिर मैं मम्मी के घर पे छोड़ आऊँगी। मम्मी के घर में ना जो बेड है वो खाली है, तो वहाँ पर ना अच्छा स्पेस है, तो वहाँ पर रखा जाएगा ये सारा सामान। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, यही मैं सोच रही थी। और अभी ना मैं ये रजाई वगैरह यहाँ कोने में ही ज़मीन पे ही साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि ना बेड इतना छोटा सा है मेरा, उस पे लगा देती हूँ ना जब मैं सारे रजाइयाँ ये कंबल वगैरह तय करने के बाद, तो बैठने के लिए भी जगह नहीं बचती है। तो ये वाली रजाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो इस टाइम मैं आपके सामने तय करने लग रही हूँ ना। इसी सर्दियों में ख़रीदी थी ये, मैंने 1900 रुपये की आई थी। पर इतनी मुलायम है, सॉफ्ट है, सच में दिल खुश हो गया। इस बार तो सर्दियों में ना मतलब ब्लैंकेट्स रजाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी यूज़ करी हैं, इनमें ठंड भी बहुत अच्छे से रुक जाती थी। तो ये वाला ब्लैंकेट है छोटा सा, ये ना कई बार मैं क्या करती हूँ, विहान जैसे सो रहा होता है ना, तो उसके उसको उड़ा देती हूँ। तो इसे भी हम अभी तय कर लेते हैं। और अब ना मैं रोज़ डेली अच्छे अच्छे कपड़े पहना करूँगी, बढ़िया बढ़िया मैं घर पे ही पहनने के लिए लगाऊंगी। मैं थक गई, पता है ये वाला जो सूट आप मेरे को देख रहे हो ना पहने हुए, मेरा 4 साल पुराना है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना मेरी, तब मैंने ये ख़रीदा था। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था ये वाला सूट, मेरे ख्याल से ये 850 रुपये का था, 850 रुपये का था। तो शादी की शॉपिंग के हिसाब से महंगा नहीं है, क्योंकि और वैसे कपड़ा वगैरह ठीक था इसका। तो देखो ना, नया का नया रखा है ये सूट भी। मतलब ऐसे तो मेरे कपड़े ना, मैं बता रही हूँ, पुराने ही नहीं होंगे। और देखो, नए कपड़े भी मुझे इतने सारे अभी फ़िलहाल मिले हैं प्रोमोशनल वीडियोस में, तो मैं सोच रही हूँ इनको पहनने में लगा ही देती हूँ। मैं कहीं बाहर तो घर से इतना निकलती भी नहीं हूँ कि मैं ये सोचूँ ना कि नहीं निधि कभी बाहर जाएगी तब पहनी। अगर बाहर अंदर के सोच के मैं कपड़े रखने लग गई ना, तो आप ये सोचो मेरा मेरा ये हाल हो जाएगा कि ना मेरा बस पूछो ही मत। मेरे को कहीं जाना तो होता नहीं, आपने भी मेरे को देखा है, मुझे YouTube पे आए पूरा 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में आप ही बता दो मैं कितनी बार मतलब कहीं बाहर घूमने गई हूँ। इवन आप मुझे पिछले 1 साल से हिसार में ही देख रहे हो, मैं हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ 1 साल से। तो नहीं मतलब निकलना होता है, ये सब होता। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस रूम में भी क्या कर रही हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। ये मेरा छोटा सा रूम है, इस कमरे में मैं कभी कभी बैठती हूँ, अभी नहीं बैठती इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी सर्दी है। मतलब अभी 10-15 दिन की बात और है। वैसे कई बार मन करता है तो हम जैसे यहाँ पे सोफ़ा बिछा रखा है, तो सोफ़े पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं साथ के साथ झाड़ू लगा रही हूँ और साथ के साथ पोछा लगा रही हूँ। पोछा इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि देखो छोटा घर है, और ना जैसे विहान को कुछ भी खिलाती पिलाती हूँ ना, तो वो ज़मीन पर थोड़ा बहुत खिंडी जाता है छोटे बच्चे के साथ। कई बार वो ही मुँह से थूक देता है, जैसे मैं विहान को केला खिला रही होती हूँ और विहान को केला पसंद नहीं आता, तो वो मुँह से थूक देता है, तो सारा फर्श पे गंदा हो जाता है। तो फर्श इसीलिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, सफाई भी होनी अच्छी बात है। घर साफ सुथरा हो तो ना मन भी खुश रहता है, ये बात तो मैंने देख ली है। क्योंकि मैं ना कई बार क्या था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब, मेरी तो बीच में अभी कई दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही थी, इतनी ज़्यादा कि मेरी बिस्तर से भी उठने की हिम्मत नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा ना मतलब क्या बताऊँ, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ना समझ आ गया लाइफ में, मतलब मेरे को अक्ल लग गई है। कहते हैं ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। और मैंने ना दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ही ठोकरे खा ली हैं, तो इस हिसाब से मेरा ना दिमाग भी बहुत तेज़ है इस टाइम। अच्छे से मतलब दिमाग में भी अच्छे से समझ आ गया है, माइंड अच्छा चलता है अब मेरा।
तो यहाँ पे देखिए मैं इस रूम में भी ना पोछा लगा रही हूँ, ये मेरा आगे वाला फ्रंट रूम है आपको पता ही है। तो आप भी कहते हो कि ना हाँ नहाने के बाद पोछा लगा रहे हो, बट कोई ना बस आदत है मेरी, क्या करूँ मैं अब। तो ये देख लीजिए, और मम्मी विहान को लेके बाहर चले गए थे, मैंने मम्मा को कह दिया था कि मम्मी मैं थोड़ा ढंग से अच्छे से सफाई करूँगी, इसलिए ना आप विहान को ले जाओ, वरना विहान के साथ मेरे से नहीं होता काम, सफाई नहीं होती। तो ये देखो मैंने कमरा कितने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये दूसरा कमरा भी देखो मैंने पंखा चला दिया है, क्योंकि अभी विहान यहाँ पर नहीं है, वरना मैं नहीं चलाती पंखा। तो अच्छा है, थोड़ा सा फर्श थोड़ा जल्दी सूख जाएगा, है ना जी। तो ये देखिए यहाँ की भी कमरे की तो सफाइयाँ हो गई थी, अभी क्या रहता है, अभी एक तो मेरा पीछे वाला जो स्टोर रूम है उसकी सफाई रहती है, और ये आगे का जो पोर्शन है इसकी भी सफाई करनी है। तो पहले हम ये आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, इसमें ना थोड़ा सा पहले मैं हल्का हल्का झाड़ू करने लग रही हूँ। और ये साइकिल ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये साइकिल ना आगे की साइड मैंने रख दी है, अब मैं आज चलाऊंगी पक्का, आज मैं शाम को जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी ना, उसके बाद थोड़ी सी साइकिलिंग करनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैंने ना चैलेंज लिया हुआ है प्रियंका फैमिली वी लोग जी इसके साथ, वेट लॉस चैलेंज। तो उन्होंने कल मेरी उनसे बात हो रही थी, फ़ोन पे ही बात हो रही थी, तो फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी ना वेइंग स्केल मंगवा ली है, वजन तोलने वाली मशीन, ताकि ना मतलब पता चलता रहे कि किसका कितना कम हो रहा है वजन। तो ठीक है, आपको भी मैं अपडेट धीरे धीरे देती रहूँगी जैसे भी होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जूते चप्पल दोबारा से सेट कर दी है। एक्चुअली क्या होता है ना, विहान निकाल देता है, खेलता रहता है ना, तो चप्पल जूते सारे निकाल देता है। तो ये वाला जैसे मैं स्टैंड बाजार से लेकर आई थी, बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं एक एक चीज़ ना मैंने खुद दोबारा से जोड़ी है, और ना सारा मतलब चीज़ें यूज़ में आ रही है, इस बात की खुशी मेरे को मिलती है कि देखो निधि तूने कुछ भी सामान जोड़ा दोबारा से किया तो वो सारा सामान काम आने लग रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। और अभी मुझे ना इन्वर्टर ख़रीदना है, आप कहोगे इन्वर्टर की क्या ज़रूरत है, तो मुझे सच में ज़रूरत है। और हाँ जी, आपने जो मैंने नौकरी की बात करी थी कम्युनिटी पे, तो मेरे को सब कह रहे थे कि कुछ बताया नहीं क्या नौकरी मिली है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप मेरी YouTube फैमिली हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि मैं देखिए YouTube पे ना मैं प्रमोशनल वीडियोस करती थी, थोड़ा एंकरिंग वगैरह करती हूँ ना, मैं थोड़ा बोल लेती हूँ, तो मेरे को उस वही काम मिला है, मुझे बोलने का ही काम मिला है। मुझे एक्चुअली एक एप्लीकेशन है उस पे ना थोड़ा सा बोलने का मेरे को काम मिला है। तो देखो मतलब मेरी थोड़ी बहुत सैलरी मतलब फरवरी मार्च में देखो, अगर मैं टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा फिर आगे देखो थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है, देखो हर महीने का काम है वो मेरे को जो मिला है ना, जैसे हर महीने मिलेगा, लेकिन वो यूट्यूब पर काम नहीं है, मतलब बाहर जैसे यूट्यूब के अलावा कहीं और प्लेटफॉर्म पर मुझे थोड़ा सा काम मिला है, बस ये बात मैं बता रही थी। तो इसी के लिए मुझे इन्वर्टर लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए मुझे ना बिजली चाहिए, क्योंकि कई बार मैं अगर मैं उस एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ और बाई चांस लाइट चली गई तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। इसीलिए पापा जी कह रहे थे कि भाई के घर जाके काम कर लियो, मैंने कहा नहीं पापा जी ऐसे नहीं हो पाएगा काम, मैं इन्वर्टर लगवा ही लेती हूँ, वैसे भी गर्मियाँ आएंगी आगे तो विहान को भी ज़रूरत पड़ेगी, लाइट जाएगी गर्मी में वो कैसे रहेगा, तो इन्वर्टर की ज़रूरत भी है और अब वैसे भी मेरे को ज़रूरत है। तो मैं तो सच में भगवान में पूरा भरोसा रखती हूँ, भगवान में मेरी पूरी आस्था है, क्योंकि देखो भगवान है दुनिया में देखो ना, वरना आप सोचो ना मैं बैठी थी और मैंने आपके सामने सिर्फ इतना बोला था कि प्लीज़ आप मेरी मदद करो, थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा दो, मेरे को प्लॉट लेना है बच्चे के लिए और इतनी मदद करवा दो, मेरी उसी वक्त मेरे पास कॉल आया मैम का, और मैम ने मुझे बताया कि हाँ मेरा मतलब वहाँ पर काम बन गया। और मेरे को खुशी की बात ये लगी कि मैम ने मुझे बताया कि सिर्फ 5 लोगों को चुना गया है उस काम के लिए, मतलब सिलेक्ट किया है, और मेरा 5 में से एक नंबर है, मतलब मुझे उन 5 में से एक चुना गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, मतलब कि चलो मैं सफल हुई इस काम में, तो मेरे को पसंद किया, मतलब मेरी जो भी एंकरिंग है बोलने का जो भी स्टाइल है उनको पसंद आया, तो अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के, बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ जिस टाइम मैं वो इंटरव्यू के लिए गई थी ना, मतलब मेरा ऑनलाइन ही इंटरव्यू था, तो जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था ना, मैं उससे 10 मिनट पहले ना मैं इतना रो रही थी, मैंने लाइव भी करी थी आपको याद हो, और उस लाइव में भी मैंने आपको बताया था कि देखो ना मैं इतनी दुखी हो रखी हूँ, अब मेरा क्या होगा, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा, मैं इतनी मतलब दूसरी और अपनी लाइफ की कुछ पर्सनल दिक्कतें थी, आपको तो पता ही है मेरी लाइफ में अभी इन दिनों क्या क्या चल रहा था, तो मतलब लेकिन ना मैंने फिर भी ना मेरा मन नहीं था कुछ भी मतलब वो इंटरव्यू देने का, लेकिन फिर भी मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके वो इंटरव्यू फिर भी दिया, क्योंकि
मुझे पता था कि ये ज़रूरी है मेरे को ना, अपना काम नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, मुझे करना है। तो चलो फिर बाद में इतनी खुशी मिली जब मेरे को पता चला ना मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो फिर मैंने मेरे पापा, मैं उसी वक्त रात को गई मेरे पापा जी के घर पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं होता, आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं ना मेरे फ़ोन में अभी इस टाइम बैलेंस नहीं है। मैं ना कॉलिंग भी करती हूँ ना तो व्हाट्सएप कॉल करती हूँ सबके पास, मैं डलवाती ही नहीं हूँ रिचार्ज की, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं कहीं फ़ोन मिलाती ही नहीं हूँ। कहीं बात करनी होती है किसी के पास तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज छोड़ देती हूँ मैं। तो पापा जी के पास मुझे रात को ना मेरे को फिर बात करनी थी इस बारे में, तो मैंने ना फिर मैं पैदल पैदल घर गई पापा जी के पास। फिर मैंने पापा जी को भी बताया, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे ना मेरा काम बना है थोड़ा सा। तो पापा जी भी बहुत खुश हुए सुन के, पापा जी बोलते चलो एक दो दिन में देखते हैं, इन्वर्टर का काम भी करवाएंगे 2-4 दिन में जैसे भी होगा। तो ये देखिए मैंने सुबह लग के करीबन 2 घंटे से मैं सफाइयों में लगी हुई थी और मैंने घर की पूरी सफाई कर दी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कमरा, यहाँ पे बाहर ये कुर्सी रखी हुई है एक, क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे बाहर की तरफ, विहान पे नज़र रख लेती हूँ। और ये देखिए बेडशीट भी। और चलिए पहले मैं लाइट जला देती हूँ, इस लाइट की ना काफ़ी अच्छी कमरे में रोशनी आ जाती है। तो ये देखिए मम्मा तो अभी किचन में लगे हुए थे, कुछ बनाई थी मिठाई, मम्मी के चैनल माँ बेटी की दुनिया पे आप देख लीजिएगा। तो ये लाइट भी मैंने ऑन कर दी है। तो ये देखिए ये कमरा भी पूरा साफ हो गया है। बाथरूम की भी मैंने सफाई कर दी थी, पर बाथरूम बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, बस मैंने फिर भी थोड़ा सा कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे गीले पाँव फिर से फर्श पे लगते हैं तो फिर से ऐसे ही हो जाता है बाथरूम। और ये देखिए यहाँ का रूम भी मैंने साफ़ कर दिया, और अब आने वाले दिनों में ना मैं ये स्टोर रूम पीछे का अच्छे से साफ करूंगी, आप वीडियो में भी देखिएगा। क्योंकि ये ना थोड़ा सामान ज़्यादा, क्योंकि मेरे को मिलता है ना वो, मेरा जगह कम है। एक बार मेरा दोबारा फ्यूचर में, अभी एक बार दोबारा से घर अगर बन जाएगा ना, देखो बनता है नहीं बनता, बाकी जब तक अगर बन जाएगा तो आधा फर्नीचर ना मैं उस घर में दूसरे घर में शिफ्ट करवा दूंगी। फिर वैसे भी आपको भी पता है कि मेरे पापा जी ने भी एक घर देखने लग रहे हैं किराए पे, मेरी मम्मी के चैनल पे आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो अगर बात बनती है तो इसमें से आधा सामान, कुछ कुछ सामान बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वहाँ पे शिफ्ट करवा दूंगी मैं। तो इससे यहाँ पे कमरे में भी थोड़ी सी खाली खाली जगह बन जाएगी, बहुत ज़्यादा तो शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी। और यहाँ पे देखिए टाइल्स कितनी सुंदर लग रही है ना, जो पूरे घर में लगवा दी गई थी, मैंने लगवाई थी। तो खर्चा तो बहुत किया था इस घर पे, पर खर्चा करा तो कम से कम उसकी आउटपुट तो मिली, घर सुंदर तो हो गया ना दिखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये घर देखो ना कितना अच्छे से सज गया है बिल्कुल। तो बहुत मेहनत की है, जाली वाले दरवाजे भी हमने बाद में ही लगवाए थे, सारा काम करवाया, तो कम से कम घर रहने लायक तो हो गया ना, कितना सही बना दिया ना मैंने। तो आने वाला एक और जब घर मैं बनाऊंगी ना इस साल के एंड तक, तो वो भी मैं ऐसे ही बहुत ही सुंदर बनाऊंगी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और ये देखिए यहाँ पे बचपन में देखा होगा ना आपने, बच्चे टायर को ऐसे रस्सी से बांध के इसमें बैठ के खेला करते थे, तो यहाँ पे देखो यही काम कर रखे हैं बच्चों ने, है ना। तो चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और वो देखो भूत हिल रहा है, अभी भी घूम रहा है ये। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मैं तो जा रही हूँ घर, टाटा।